सुप्रभात, मैं रश्मि स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। जनवरी के आखिरी हफ्ते से लगेगी नेजल वैक्सीन, सरकारी अस्पतालों में ₹325 होगी कीमत। कोरोना की तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना मॉक ड्रिल का किया निरीक्षण। पीएम मोदी की बैठक से नीतीश कुमार ने किया किनारा, गंगा काउंसिल की मीटिंग में भाग लेंगे तेजस्वी। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 2500 फ्लाइट्स रद्द। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई की याचिका, अनिल देशमुख आज जेल से आ सकते हैं बाहर। ये तो थी सुर्खियां देश और दुनिया की, अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। उत्तराखंड महिला आरक्षण विधेयक पर राजभवन ने जताई आपत्ति, दोबारा मांगा ड्राफ्ट। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल, सीएम धामी ने साइकिल रैली का किया शुभारंभ। उत्तराखंड में कोरोना BF7 वेरिएंट से निपटने की तैयारी, प्रदेश में हुई मॉक ड्रिल। उत्तरकाशी धर्मांतरण मामला, VHP नेताओं और 150 ग्रामीणों के खिलाफ क्रॉस FIR, विरोध में चक्का जाम। आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर सुबोध उनियाल से मिला शिष्टमंडल। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।